मैं स्वामी मोहन रह रहा हूं, उधर और भी है वायरिंग, कमरे की वायरिंग काट दी उन्होंने, जाने पे कर 5-6 कम से कम 20 को तोड़ के लेंगे सारे के सारे। ये टीटी कॉलेज है और यहाँ 10 छात्रावास है, उसके अंदर चोरी की वारदात हुई। कल हमें मालूम पड़ा, इधर चौकीदार ने आके बताया हमको कि भाई वहाँ से सरिये जो अपने कॉलेज के जो हॉस्टल के सरिये हैं वो उखाड़ के कोई ले गया है, और कम से कम 3-4 एक बार 2-3 बार आया भी सरी, एक को पकड़ा भी सरी, लेकिन वो छूट के भाग गया। उसके पास कम से कम 50 किलो लोहा था यहाँ का। और ये खिड़कियाँ दरवाजे हैं, खिड़कियों को देखिए आप, इतने बड़े बड़े सरिये जी, खिड़की के दरवाजे, उनके अंदर बल्ब वायरिंग और अंदर जो जो 3-phase की लाइन जा रही है वो भी उखाड़ के ले गए। वो क्या ये हॉस्टल खाली रहता है? हाँ सर, हॉस्टल खाली है सर। महिलाओं का हॉस्टल? हाँ, ये गर्ल्स हॉस्टल है। कितने टाइम से खाली है ये? सर कोविड से पहले जी, कोविड से पहले चलता था, कोविड के बाद में ये जंजालदार हो गए। हमने कई बार वन विभाग को भी लिखा है, तहसीलदार को भी लिखा है कि भाई हमारे यहाँ साफ सफाई करा दो, नगर निगम वाले को भी लिखा है कि हमको परमिशन दे दो तो हम हटवा देंगे यहाँ से झाड़ जंगल, तो हमारे चौकीदार भी डर सकें। और 3 कर्मचारी हमारे वहाँ कलेक्ट्री में लगे हुए हैं, 6 चपरासी है जिसमें से 3 है, एक नाइट में रहता है, एक महिला है। कहाँ पर है पास में कोई कॉलोनी? ये हॉस्टल अपने टीटी कॉलेज में मीरशाली के अंदर। कौन थाने में मुकदमा? ये हमने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है इसका। लगभग कितने का नुकसान मानते हैं? लगभग कम से कम ये समझ लीजिए, कम से कम ये नुकसान है हमारा 1,50,000 के अब कम से कम, क्योंकि अगर नए विंडो और ये लगाए हैं तो कम से कम, क्योंकि आज की डेट के अंदर अभी जो पुराना लोहा 40 रुपये किलो है, नया लोहा जो 80 या 90 के आसपास है, तो कम से कम 1,00,000 रुपये से ऊपर का नुकसान है सर। आपका परिचय? राजेश चौधरी। आप क्या हैं? मैं यहाँ सहायक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, पद पर हूँ।